ट्रोजन युद्ध की कहानी प्रेम, वीरता और छल का अद्भुत संगम है, जिसमें न सिर्फ तलवारें टकराई बल्कि मानवीय भावनाएं और देवताओं की योजनाएं भी आपस में उलझ गईं। करीब 3000 साल पहले 1194 ईसा पूर्व से लेकर 1194 ईसा पूर्व के दौरान ट्रॉय और स्पार्टा के बीच यह युद्ध तब शुरू हुआ जब ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की रानी हेलेन, जो दुनिया की सबसे सुंदर महिला थीं, को अपने साथ भगा ले आया और उनकी इस चोरी ने इतिहास के सबसे महान युद्ध को जन्म दिया। स्पार्टा के राजा मेनेलाउस, जो हेलेन के पति थे, ने ग्रीस के योद्धाओं से अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मदद मांगी। इस युद्ध में ग्रीक सेना का नेतृत्व किया मायसिनी के राजा अगमेमनॉन ने, लेकिन उन सब ग्रीक में सबसे महान योद्धा थे अकिलीस। अकिलीस न केवल युद्ध के मैदान में सबसे ताकतवर था, बल्कि उसकी क्रोध की ज्वाला उसे और भी अजेय बना देती थी। अकिलीस के साथ था ओडिसियस, एक चालाक और बुद्धिमान योद्धा, जिसकी योजनाओं ने इस युद्ध को मोड़ दिया। ट्रॉय के पक्ष में खड़े थे राजा प्रियम और उनके वीर पुत्र हेक्टर। हेक्टर न केवल ट्रॉय के सबसे महान योद्धा थे, बल्कि उनकी वीरता ने उन्हें अमर कर दिया। उन्होंने अकिलीस के साथ जो द्वंद्व किया, वह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने मानो पूरी पृथ्वी को हिला दिया। हेक्टर का साहस देखने लायक था। आखिरकार लंबे समय तक चले इस द्वंद्व युद्ध में हेक्टर मारा गया। हेक्टर की मृत्यु ने ट्रॉय की हार की शुरुआत की। हालांकि ग्रीक सेना 10 साल तक ट्रॉय की दीवारों को नहीं तोड़ पाई, तब ओडिसियस ने एक अनोखी योजना बनाई, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक बड्ढा लकद्दी का घोड़ा था, जिसका अंदर का हिस्सा खाली था और उसके अंदर छिपे थे काबिल ग्रीक योद्धा। ट्रॉय के लोग इसे एक उपहार मानकर अपने शहर के अंदर ले आए। रात में जब ट्रॉय वासी सो रहे थे, वो अंदर छिपे ग्रीक योद्धा बाहर आए और उन्होंने अपने बाकी सैनिकों के लिए ट्रॉय का दरवाजा खोल दिया और इस तरह वे ट्रॉय के किले को भेद पाने में सफल हुए और ट्रॉय का पतन हो गया। राजा प्रियम मारे गए और ट्रॉय शहर नष्ट हो गया। जिस प्रेम के लिए यह युद्ध शुरू हुआ था, उसने पूरे शहर को राख में बदल दिया। यह युद्ध सिर्फ मानव योद्धाओं के बीच नहीं था, बल्कि देवताओं का भी एक खेल था। ज्यूस, एथेना, अपोलो, ये सभी देवता किसी न किसी पक्ष से जुड़े थे, लेकिन अंततः यह ओडिसियस की चतुराई थी जिसने ट्रॉय को घुटनों पर ला दिया। अकिलीस, हेक्टर, ओडिसियस, पेरिस, इन सबकी कहानियां इतिहास में गूंजती रहेंगी और यह याद दिलाती रहेंगी कि प्रेम और युद्ध का अंजाम कितना भयानक होता है। ट्रोजन युद्ध, प्रेम से भड़की एक आग और युद्ध जिसने महान किंवदंतियों को जन्म दिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।